झांसी की मऊरानी में बकरीद की नमाज अमन चैन के साथ संपन्न हुई। लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बता दें कि झांसी में भाईचारे को सलामत और देश में अमन चैन शांति बरकरार रखने के लिए झांसी में मुसलमान भाइयों ने अपने अपने क्षेत्र की ईदगाहों पर पहुंचकर बकरीद की नमाज अमन चैन के साथ पढ़ी है। तो वहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा भारी संख्या में सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। तो वहीं ड्रोन कैमरे की निगरानी पर बकरीद की नमाज संपन्न कराई गई। क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए, किस तरीके से नमाज अदा की? सर्वप्रथम हमारे देशवासियों को, मऊरानीपुर वासियों को बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर लगभग 2500 से 3000 लोग अपनी नमाज अदा करने आए थे ईदगाह में। पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन ने मिलकर यहाँ पर शांति व्यवस्था के लिए सारी व्यवस्थाएँ कर रखी थी। सब कुछ कुशलतापूर्वक संपन्न करा लिया गया है। क्या कोई अप्रिय घटना कहीं सूचना रही और उसको रोकने के लिए क्या इंतजाम रहे यहाँ से? सभी जगह पॉइंट टू पॉइंट ड्यूटीज लगाई गई थी। कोई भी ऐसी घटना का कुछ भी जानकारी भी प्राप्त नहीं हुई है। नमाज के दौरान क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से निगरानी की गई और क्या कोई अप्रिय घटना की खबर आई है? मैं सर्वप्रथम क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर समस्त क्षेत्रवासियों को बकरीद के पर्व पे हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ, साथ ही बधाई देता हूँ। और जैसा कि मैं बता दूँ कि पॉइंट टू पॉइंट जहाँ भी मस्जिद हैं, जहाँ भी ईदगाह हैं, वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट पुलिस प्रशासन एवं राजस्व प्रशासन की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही साथ एम्बुलेंस और फायर सर्विस की भी गाड़ी लगाई है। किसी प्रकार की अभी तक कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था चारों तरफ से चाक चौबंद है। और यहाँ पे चूँकि मऊरानीपुर में बता दूँ कि सांप्रदायिक सद्भाव का एक बेहतर नमूना प्रस्तुत होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई पर्व होता है तो हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई अच्छे से पर्व मनाते हैं, और इसीलिए सारी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है यहाँ पर। ड्रोन कैमरे से किस तरीके से निगरानी रखी गई है? ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल ये किया है, किस प्रकार का असामाजिक तत्व यहाँ पे मतलब उनकी गतिविधियाँ यहाँ पे संचालित न हो। हालांकि यहाँ पे कोई ऐसी सूचना नहीं होती, फिर भी हमारी सुरक्षा के तहत इस ड्रोन कैमरे को उड़ाया।